2 तारीख को जो है वो अपनी बुआ के यहाँ से आया था और उसे पता नहीं था कि बीच में यहाँ ऐसा कुछ हो रहा, तो टेम्पो वालों ने उसे तेजगढ़ी पर उतार दिया। वहाँ जब पुलिस की दबिश पड़ी तो वो घर आने के बाद वो भागने लग गया। वो ये भागे बच्चे तो उसके साथ में वो भी लपेट में आ गया, उसकी भी पिटाई करी, उसे ठाज गाड़ी में पूछ लिया, बिरादरी पूछ के अंदर अपने गाड़ी में डाल के ले गए। परेशानी हो तो दिक्कत है उसे, जिस दिन से वो हिस्से गया ना खाता ना पीता, रोने पे लगा रहा है। क्या बात बस ये तो वो तो नहीं कह रहा है मम्मी मुझे ले चलो, मम्मी मुझे ले चलो, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान बेगुनाही में ठाया गया। नाबालिग बच्चा है 12 साल का, सब उस पर धारा ऐसी लगा रखी है कि किसी बड़े आदमी भी नहीं लगती। जो कत्ल करने वाला उसकी जमानत हो जाए, अब तक उनकी जमानत भी नहीं हुई। तो 2 गाड़ी आई पुलिस की, एक आगे से एक पीछे से। उसने कहा कहाँ जा रहा है, न कहीं घर जा रहा हूँ, कौन बिरादरी का न जाटो। 2 डंडे मारे, तुरंत उसे मैं पिटाई करके गाड़ी में डाल दिया। अक्साले बैठ यहाँ से उसके 8 दिन बाद अटैक हो गया आपको? जी हाँ, उसी सदमे में 3 तारीख को। गरीब मजदूर मेहनत कश लोग अपना मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, उन पर लठ बजाया जा रहा, दही तोड़ी जा रही, जेल भेजा जा रहा, बेगुनाह उठा रहे, घर से उठा रहे, रास्ते से उठा रहे। पूरे मेरठ से 250 के करीब लोग उठाए गए और 3500 के करीब केस रजिस्टर्ड करे गए लोगों के खिलाफ। तो ये एक माहौल बनाया गया कि जो भी एक्टिविज़्म दलित समाज का रोज़ था, दलित समाज शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहा था, उसको दबाने की एक कहीं ना कहीं उस समय के प्रशासन ने और यूपी गवर्नमेंट के योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उसको दबाया गया और लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये कास्ट पूछ कर बहुत सारे युवा जो 17 साल के थे, 12 साल के थे, 13 साल के थे बच्चे थे, जो खेल के आ रहे थे, कहीं से आ रहे थे, रास्ते में से उठा लिए गए और उनको एडल्ट के केस लगा दिए गए। जुवेनाइल के जो केस लगने और जो वो थे, पहली बात तो थे नहीं, वो उनको जुवेनाइल में न डालकर भी सरकार ने सीधा एडल्ट के केस लगा दिए गए। क्या हुआ? क्या पूछा? नाम पूछा, नहीं तो ये पूछा गया कौन सी बिरादरी को कहाँ से आए हो, तो कुछ हम दवा लेना है यहाँ। चमार का जो चमार, उन्होंने कहा हम चमार बिरादरी का उठा कर गाड़ी में गिरा, बच्चे वहाँ ले जाके दवाई लेने भेजा था। मैं यहाँ था हरिद्वार कंपनी में काम कर रहा था वो सिडीकोल, और जी वहाँ से आया था जी वो 7 तारीख में। 7 तारीख हाँ बेटा, 7 तारीख के बाद वो यहाँ भी दिखाया डॉक्टर को, उनकी रिपोर्ट भी रखी, जांच करवाई, वरना मतलब कोई और बुखार, उसे टाइफाइड बुखार आया उसको। 3 दिन तक थाने में रखे दरोगा ना, तो बच्चों से पूछा जाएगा, उन्होंने कहा पापा हमें कोई खाना नहीं दिया, और शाम के टाइम डेली पिटाई भी हुई उनके बेचारों को। वो बस 2 तारीख में मुझे बना करता, पुलिस वालों ने उठाया ना, और अभी तक वो जेल में ही है। हाँ जेल में है अभी तो, 2 महीना चल गया। पहला जी पकड़े थे जी उन्होंने 19 तारीख लगाई थी, 19 जाना 20 तारीख लगाई थी, उसके बाद फिर उन्होंने 25 तारीख लगाई, फिर वो अभी नहीं लगी, फिर 5 तारीख लगाई वो अभी वो लगी नहीं, फिर 11 तारीख लगाई वो अभी लगी, भी 18 तारीख लगी हुई, पता नहीं उसमें क्या होगा 18 तारीख में। बच्चा अपने घर में रहता, उसके माँ बाप को क्या स्थिति गुजरा है। साधारण मजदूरी करके पेट भरने वाले लोग हैं, लेकिन वो जेल में है। और विपिन को पीछे इतना मार पिटाई हुई थी कि वो तो मोबाइल्स की दुकान चलाता है। उन लोगों के पास इतना टाइम है। हाँ, अम्बेडकरवादी ज़रूर हैं, क्योंकि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, और उनको संविधानवादी भी कह सकते हैं कि वो कानून पे विश्वास रखते हैं, वो उसी को अपनी पुस्तक मानते हैं, अम्बेडकर जी में यकीन रखते हैं। बस यही एक, इस पर ही एक सज़ा है। औरतों को ऐसा काम वो करते नहीं कि हाँ भाई कोई किसी को मारने जा रहे हैं, पीटने, और उन्हीं को पीटा जा रहा है।